पिछली सरकार को हम लोगों ने उखाड़ फेंका था, इस सरकार को भी हम लोगों ने उखाड़ फेंकेंगे। इनको भी जैसे रघुवर सरकार को हमने हम लोगों ने उखाड़ा, इनको भी उखाड़ कर फेंकेंगे। मंत्री को जिन्होंने चिकनी चिकनी बातों से हमें हमारे लोगों को, अभी आने वाला समय पारा का सरकार बनेगा और ये हम लोग बना के दिखाएंगे। चपरासी का जो पेमेंट मिलता है वो 22,000 से 25,000, 30,000 रुपया है। आईएएस और आईपीएस है, सबके सब बिहारी, यूपी और छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। तो उन लोग के बावजूद भी इन्होंने कोरोना का नाम बहाना ले लेकर हमको आज ठगते आई है और हम लोगों का शोषण करती आई है। चूंकि हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि सरकार के साथ हमने सरकार बनाई है तो हमारा उसका फायदा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और अभी हम लोग उपस्थित हैं गढ़वा जिला के मिराल प्रखंड के सीआरसी केंद्र के पास और अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पीछे कुछ लोग उपस्थित हैं। हम आपको वन बाय वन करके लोगों से बात करेंगे। जहां तक अभी हम लोग का बताया गया और जानकारी मिली कि जो अभी वर्तमान सरकार में जो अभी सरकार हैं इनके उपरांत अभी बहुत सारी नाराजगी देखी जा रही है। जो पारा टीचर हैं, पारा शिक्षक हैं, उनके नज़र में जहां तक कि जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब तक सरकार सत्ते में नहीं थी, सत्ते में आने के लिए बहुत सारी ऐसी वादे कर रही थी पारा टीचर के बीच में, सभा के अंडर में, जे जब भी मेरी सरकार आएगी हम आप लोग के ऊपर जो है बहुत ही एक सघन जो है सोच विचार करेंगे और आप लोग का अस्थायी करने का या फिर उन लोग के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की जो अभी वर्तमान सरकार ही एक साल पूरा हो गया लेकिन इन लोगों के बारे में ना कुछ सोचा जा रहा है ना किसी इस ये टीचर लोगों के ऊपर कहीं चर्चाएं चल रही है। ऐसे में आज उपस्थित जो हम लोग हैं यहाँ पर नहीं बल्कि गढ़वा जिला में ही नहीं पूरा झारखंड लेवल पर आज जो प्रखंड लेवल पर है सारे लोगों का आज एक बैठक भी रखी हुई है जो सीआरसी लेवल के पे हैं। यहाँ से जो आज उपस्थित हैं हम डायरेक्ट इनसे बात कराते हैं जो आज इन लोग का जो उपस्थित होने का सबसे पहला ये जो इच्छा है वो क्या है, क्या जताते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सूरज देव तिवारी। क्या अभी जो आप लोग ये सीआरसी में केंद्र में जो उपस्थित हैं और एक बैठक आप लोग किए हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य और क्या और किसके ऊपर क्या प्रहार कर रहे हैं? आज राज्य एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे राज्य में राज्य के निर्देशांतर्गत आज गढ़वा जिले के तमाम 200 प्रखंड में एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक आपात बैठक बुलाई गई है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग मेराल प्रखंड के पारा शिक्षक पेशका सीआरसी केंद्र में उपस्थित हैं। वर्तमान राज्य सरकार हेमंत सरकार के घोषणा पत्र में यह जारी किया गया था कि हम 3 महीना के अंदर पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण कर इनके चेहरे पर चमक लौटाने का कार्य करेंगे, पर देखा जा रहा है कि एक साल क्रॉस कर गया, अभी तक पारा शिक्षकों के नियमावली सहित कोई भी मानदेय बढ़ोतरी सहित कोई भी कार्य नहीं किया गया है। 27 दिसंबर को प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी को राज्य के 264 प्रखंड में एक बैठक पारा शिक्षकों को बुलाई जाएगी और आंदोलनात्मक रणनीति तैयार की जाएगी। अगर राज्य सरकार 5 जनवरी तक हमारा अस्थायीकरण की घोषणा नहीं करती है तो हम लोग 10 जनवरी को पुनः 2400 जिला में राज्य इकाई की बैठक करेंगे, हम लोग गढ़वा जिला में बैठक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं करती है तो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री के आवास पर हम लोग लंबी धरना का कार्यक्रम करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है। सूर्यदेव तिवारी, जिला अध्यक्ष पारा शिक्षक संघ गढ़वा। अभी जैसे आपने देखा कि जो है अभी वर्तमान जो सरकार है उनके ऊपर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर और उपस्थित हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज अंसारी। हाँ। मेरा प्रखंड अध्यक्ष। हाँ। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष। हाँ। यहाँ पर जो आज आप लोग जो बैठक किए हुए हैं वो इसका क्या मतलब, आप सरकार को क्या बताना चाहें?
चूंकि सरकार सत्ता में आने से पहले बहुत वादे की थी और हम लोगों को आश्वासन दी थी कि सत्ता में आते ही हम सभी शिक्षकों को अस्थायीकरण करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे, लेकिन एक साल होने के बावजूद भी इन्होंने कोरोना का नाम बहाना ले लेकर हमको आज ठगते आई है और हम लोगों का शोषण करती आई है। चूंकि हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि सरकार के साथ हमने सरकार बनाई है तो हमारा उसका फायदा मिलेगा, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हुआ और इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध करेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन फिर करेंगे और सरकार को फिर जैसे पिछली सरकार को हम लोगों ने उखाड़ फेंका था, इस सरकार को भी हम लोगों ने उखाड़ फेंकेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमारे पारा शिक्षकों में कितना दम है और पूरे झारखंड में हम लोगों ने कहां से कहां पहुंचाया था, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा और यहां के मंत्री को जिन्होंने चिकनी चिकनी बातों से हमें हमारे लोगों को एक मत किया था और लोगों को हमें सही रास्ते पर चलने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन आज उन्होंने हमसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं ऐसे मंत्री को पुरजोर विरोध करूंगा और उनके दरवाजे पर जाकर मैं ये दिखा दूंगा कि हमारे शिक्षकों में जो ताकत है, जो अंदर से जो ताकत है उसे हम दिखाएंगे। या कहीं ना कहीं सरकार तो वादे ये कर चुकी है, जो टीचर हैं पारा टीचर हैं उनके प्रति वो सोचने के ऊपर वो बेबस होंगे, या तो फिर आपने जैसा भी सुना जो उन्हें भी एक रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन पुनः मेरा सवाल ये होगा, ये सरकार अभी तक एक साल कंप्लीट हो गई है और शायद जहां तक पता है जे कहीं ना कहीं इसके बारे में उस दिमाग से असर ही डालना बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सरकार आप लोग के ऊपर पुनः अगर ध्यान नहीं दे और इसके ऊपर विचार नहीं करे तो आप लोग का आगे का क्या ये नीति रहेगी? राज्य सरकार के गलत आचरण और पारा शिक्षकों के प्रति अविश्वसनीयता के रुष्ट होकर तमाम पारा शिक्षक एक क्रमबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और राज्य कमेटी के निर्देशानुसार गढ़वा जिला इकाई आंदोलन में 100% भाग लेगा। जानकारी के अनुसार काफी आक्रोश दिखा जा रहा है और यहाँ पर उपस्थित है, मेरा इनसे सवाल ये होगा जे अभी का जो सरकार है आप लोग के ऊपर जो है नजर मुड़ी हुई है, आपके ऊपर विचार नहीं कर रही है, इसके ऊपर क्या आप सरकार को बताना चाह रहे हैं? सरकार को बताना यही चाह रहे हैं हम लोग सभी पारा शिक्षक झारखंड के कि ये हेमंत सरकार जो इन्होंने चुनावी वादा बना के जो हम लोगों को बरगलाने का काम किया, इनको भी जैसे रघुबर सरकार को हम लोगों ने उखाड़ा, इनको भी उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर हम लोग का जो भी मसला है ये एक साल पूरा हो गया है, अगर एक साल पूरा होने के बाद अभी भी इनके हाथ में है, इस मैटर को सुलझा दें ताकि मेरा जो आप बहका के फुसला के जो मेरा वोट जो लिए आप और जो हमारे पेट की पेट का जो भूख है हमारा मिट नहीं रहा है, मेरा बाल बच्चा का जो भी इस महंगाई में जो मिलना चाहिए जो उनका भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार कहती है कुपोषण को मुक्त करना है, अरे भैया कुपोषण मुक्त कहाँ से होगा? तो इसलिए हमारा मांग जो है अगर उचित मांग हमारा अगर देते हैं तो ठीक है और नहीं तो इनको भी हम कबार के फेंकेंगे और सरकारी तंत्र को जितना भी है हमारा राज्य में सारा को ध्वस्त करेंगे और झारखंड का जितने मंत्री हैं और जितने विधायक हैं उनके मुंह पर काले पोटेंगे और उसके बाद अगर इतने के बाद अगर हम लोगों का भी अगर कुछ नहीं होता है तो झारखंड में हम लोग लाल क्रांति लाएंगे और पूरे हम जितने भी यहाँ पर हैं जिस तरह से नेपाल में देखते हैं कि इसका सरकार बना तो यहाँ भी आने वाला समय पारा का सरकार बनेगा और ये हम लोग बना के दिखाएंगे। वाजिब हक मिले, मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। सत्येंद्र चंद्रवंशी, उखगाड़ा मध्य विद्यालय। जैसे कि बहुत ही एक अहम जानकारी मिली जे अगर सरकार हम लोग के ऊपर अगर ध्यान नहीं देती है तो पिछले जो पूर्व सरकार थे उन्हें जैसे वो उखाड़ फेंके हैं, इन्होंने जैसे जानकारी के अनुसार बताया कि जो पुनः भी हम लोग ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और एक पारा टीचर का हम लोग एक नियुक्त करने का सुझाव दिए। अगला मेरा सवाल रहेगा यहाँ का जो और एक है, जैसे अगर सरकार आप लोग के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रही है और इस चीज़ का क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट है सत्ता में आने से पहले उनका क्या आप लोग के साथ वादा किया गया? देखिए सरकार जो है कि हम लोग के बीच में चुनावी वादा किया कि जब मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आप लोग को हम लोग ध्यान देंगे। चुनावी मुद्दा में हेमंत सोरेन जब चुनाव में आए तो चुनाव में आने से पहले उन्होंने वादा किया कि पारा शिक्षकों की जो समस्या है दर्द है हम समझ रहे हैं। उन्होंने हर कार्यक्रम में चाहे किसी तरह के किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम उन्होंने किया उस कार्यक्रम में वादा किए कि पारा शिक्षकों का जो दर्द है मेरा दर्द है हम आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि
पूर्व की सरकार जो है हम लोग के साथ बहुत छलते हुए आया था, इसलिए हम लोग इन पर भरोसा किए। इनके सरकार बनाने में अहम भूमिका पारा शिक्षकों ने निभाया, लेकिन इन्होंने जिस तरह से एक साल बीत गया अपने जश्न को मना रहे हैं इन्होंने, और हम लोग के कोई जश्न को मनाने के लिए शामिल करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं अभी प्रदेश का नेतृत्व में यह हम लोग का जो प्रखंड स्तर का जो मीटिंग चला, इसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार का जो आंदोलन होगा अभी किसी तरह का कोई हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे। यदि सरकार नहीं सुनती है तो उखाड़ फेंकने का काम हम लोग सब पारा शिक्षक करेंगे। निश्चित रूप से यह सरकार की जो मंशा है मंशा में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि पूर्व की सरकार पूरे झारखंड वासियों पूरे झारखंड की जनता देख चुका है एक बार कि रघुवर दास इसी तरह से पारा शिक्षकों के विरोध में काम करते थे, हर तरह से बोलते थे। आज देखिए कि रघुवर दास विधायक नहीं बन पाए, यह पारा शिक्षकों का देन रहा है। और उसी तरह से हेमंत सोरेन ये नहीं सोचे कि पारा शिक्षा में कुछ नहीं, इतना ताकत है कि पारा शिक्षक अगर चाह देगा तो हेमंत सोरेन दोबारा विधायक नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो दूर रखा जाए। इसलिए एक बार इनसे हम लोग आग्रह पूर्वक अभी भी कहेंगे कि जो चुनावी वादा है चुनावी वादा को पूरा करें, हम लोग की जो मांग है अस्थायीकरण करें। हम लोग कुछ नहीं मांग है, अस्थायी करें, क्योंकि अब जो है हम लोग का उम्र है धीरे धीरे चलता जा रहा है, पारा शिक्षा का समय धीरे धीरे पार होता जा रहा है, बस उसी में हम लोग को अस्थायीकरण कर दे, हम लोग कहीं जाने लायक नहीं है। और खाने भर आप देखिए दूसरे डिपार्टमेंट में एक चपरासी का जो पेमेंट मिलता है वो 22 से 25 हजार 30 हजार रुपया है। हम लोग अस्थायीकरण करें, जिन्हें खाने भर मानदेय दे वेतन दे, इसी के लिए हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं। और हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ये नहीं कर रहे वो डीसी बना दे एसपी बना दे, ये हम लोग आईएएस अफसर बना दे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग उस क्षेत्र में शिक्षा देते हैं जिस क्षेत्र में सरकार की जो सरकारी बॉडी है वह जाने से कतराते हैं, वह जा नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। आज चले जाइए इंटीरियर क्षेत्र में जहां पे कि आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, वहां पे पारा शिक्षक अपना योगदान दे रहा है, और वहां के बच्चा पारा शिक्षक जो उनको लगता है कि पारा शिक्षक कारगर नहीं। आज देखिए जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात में आया था हीरामन कोरवा, वह एक पारा शिक्षक है। सरकार को ये लगता हो कि पारा शिक्षक कारगर नहीं, पारा शिक्षक में वो ताकत है कि आप हमें बताने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन के पहले भी आभास हो चुका है, वो देख चुके हैं कि आज रघुवर दास बीजेपी की सरकार को अगर उखाड़ फेंकने का काम किया है तो पारा शिक्षक किया है, यह जीता जागता आपके बीच में उदाहरण है। इसलिए हम लोग उनको कहेंगे कि वो हम लोग जो मांग है वो देवे, और नहीं तो आंदोलन में बिगुल बच चुका है, हम लोग आंदोलन में जाने को तैयार है। और सरकार के जिस तरह से आना है हम लोग किसी तरह के बाकी नहीं है, लाठी भी खा चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं, महिलाएं भी जेल जा चुकी हैं, किसी तरह के हम लोग डरने के लिए नहीं है, हम लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चुपचाप यदि मांग पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिगुल बच चुका है, हम लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनसे एक बार कहूंगा कि हम लोग मांग को पूरा करें, और कुछ नहीं कहूंगा, उनके साथ हम लोग हैं, कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चलेंगे। नहीं देते हैं तो हम लोग पूरे विरोध में, पूरे झारखंड के पारा शिक्षक विरोध में है। अगर उनको लगता होगा कि हम लोग झुंझुना की तरह हम लोग पारा शिक्षक झूला रहे हैं तो पारा शिक्षक समझ चुका है। अगर उनको देखना है तो एक तरफ सरकार और एक तरफ पारा शिक्षक मैदान में आवे, कौन जीतता है वो देख चुका है पूर्व की सरकार भी, हम लोग तैयार है उसके लिए। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, एक पारा शिक्षक। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की अपना स्टेटमेंट अपनी बयान दे रहे हैं, ऐसे में उपस्थित और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? आज मेरा नाम आशुतोष शर्मा मिराल, पारा शिक्षक हम भी हैं। आज जिस भूमि पर यहाँ पर सीआरसी पेस्का के अंदर में जो बैठक और मंथन कार्यक्रम हम लोग का चल रहा था, यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। हालांकि किसी का राज हो, शासन किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे हमको माने मतलब नहीं है, लेकिन हम जिस राज्य में जिस देश में शिक्षकों की ये स्थिति हो, शोषण हो, पीड़ित हो, और बच्चों के एजुकेशन शिक्षा बाधित हो, और वैसे में हम आज पारा शिक्षक जो झारखंड में कहलाते हैं अत्यधिक ही शोषण से पीड़ित होकर के आज हम लोग 20 वर्षों से चले आ रहे हैं। सरकार किसी का भी हो लेकिन वो हम सभी को ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के नेता हमारे राज्य के हों, और मुखिया हों या मुख्यमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, सारे मिल करके एक सूत्र में बंध करके ऐसे पीड़ित
वर्ग के पारा शिक्षकों का कुछ जन कल्याण करें, या फिर इनके राज में अगर हम भूखे मर रहे हों तो कदापि यह राज करने लायक नहीं होंगे। ये वेद और पुराण ही बताता है, जिस राज में ऐसे निरीह प्राणी आज हम पारा शिक्षक कहलाते हैं उस स्टेज पर आ चुके हैं। आज हमारी हर तरह से कहीं भी समाज में इज्जत नहीं है और पैसे के अभाव में लाले पड़े हुए हैं सभी के घर में। तो मेरा अंतिम वाक्य यही होगा कि हम सभी के बीच में ऐसे जो हमारी नई सरकार बनी है, हमें आशा और विश्वास है कि हम सभी का कल्याण करें और हम सभी शिक्षक वृंद एकजुट होकर के बच्चों और सारे छात्रों छात्राओं के बीच में जाकर के सफल एजुकेशन और अध्ययन का कार्यक्रम पठन पाठन पूरा करें। धन्यवाद। जहां तक आपने देखा, और मेरा पहला अगला सवाल होगा, यदि सरकार आप लोग का जो मांग है अगर वो मांग नहीं पूरा करती है तो किस रूप में आप लोग सरकार को आप लोग जवाब देने का काम करेंगे? देखिए, सरकार के जवाब देने का बहुत सा तरीका है। इधर आ रहे जी। चूंकि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, तो सरकार अगर दुर्व्यवहार पारा शिक्षक संगठन के साथ कर रही है, पारा शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार अगर सरकार कर रही है, तो एकता में बहुत बड़ा बल है। पारा शिक्षक का ही देन है कि आज हेमंत जी की सरकार बनी है और वो अपने से एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि पारा शिक्षक संगठन के पूरे राज्य के पारा शिक्षक चूंकि पूर्ण रूपेण समर्थन किए, चूंकि जिस तरह से पूर्व की सरकार रघुवर की सरकार ने पारा शिक्षक के साथ जो अपमान किए थे, जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए थे, जो अपनी जायज मांगों के साथ उन्होंने जो अपना बल प्रयोग किया था, उसके आक्रोश में पारा शिक्षक संगठन ने पूरे राज्य स्तर पर हेमंत जी को समर्थन करके सरकार बनाई है। और हेमंत जी ने अपना एजेंडे में उन्होंने वादा किया है कि पारा शिक्षक का जो भी जायज मांग है उसको सरकार बनते ही हम पूरा करेंगे। लेकिन आज लगभग साल भर हो चुका, हम लोग यही महसूस कर रहे हैं कि झारखंड के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, यहाँ तक कि हेमंत जी खुद राज्य के मुखिया हैं, उनको मुख्य सचिव और आईएएस मंत्री को नचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ कोई भलाई नहीं चाहते, उनके भविष्य को संवारना नहीं चाहते हैं, उनको दिमाग में हमेशा हरा नेगेटिव सोच है। क्योंकि जितने भी झारखंड में आईएएस और आईपीएस हैं, सबके सब बिहारी, यूपी और छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, तो उन लोग की मानसिकता बिल्कुल गलत है। उनको नहीं चाहते हैं कि झारखंड के हमारे शिक्षक सुखी संपन्न रहे। जब तक, चूंकि शिक्षक जब तक भूखे रहेंगे तो सर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से दे सकते हैं? पहले तो सर है ना, आई से कहना था कि जितने भी पारा शिक्षक हैं वो केवल क्वांटिटी की संख्या में है, केवल क्वांटिटी है, क्वालिटी उनके पास नहीं है। लेकिन सरकार तो एक बार नहीं, दो दो बार टेट का एग्जाम भी लेके देख लिया, कितने काफी संख्या में हमारे टेट क्वालिफाई पारा शिक्षक मौजूद हैं और अभी तक उनकी स्थिति ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाई, तो सरकार छलावा कर रही है। तो सरकार के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पारा शिक्षक संघ अपना बिल्कुल खोल चुके हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो पारा शिक्षक संघ चेताने के लिए तैयार है और अपना हक अधिकार, चूंकि मांगने से अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लूटने का भी अधिकार रखते हैं, अपना अधिकार को हम लोग लूट के रहेंगे। धन्यवाद। करीबन सर समस्या, कैमरामैन विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद।